तो भाई मम्मी सब्जी काट रही थी और मैंने उनसे खाना मांग लिया। भाई पूरा का पूरा प्याज उठा के मुंह पे बहा दिया उन्होंने और बोला कि जाओ तुरंत के तुरंत काट के लाओ। तो भाई प्याज काटते समय नानी, मौसा, फुफ्फा और दूर के चाचा भी याद आ गए, बट प्याज नहीं कटा और आंसू अलग निकलते जा रहे थे। तो भाई मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ डिफरेंट करते हुए हम लोग प्याज काटते हैं और एक ऐसी मशीन बनाते हैं जिसमें कोई भी सब्जी हो आप आराम से डालो और दूसरे साइड से फट 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 कुछ ज़्यादा ही फट हो गया है, बट वो इम्पोर्टेंट नहीं है, सब्जी कट जाए वो इम्पोर्टेंट है। तो हेलो गाइस, मैं हूं नयन और आप देख रहे हो इंस्टेंट एक्सपेरिमेंट और आज की वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं वेजिटेबल कटर मशीन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो भाई यहाँ पर जो मशीन हम लोग बनाएंगे वो पूरी की पूरी मशीन मोटर से चलने वाली है, यहाँ पर कोई भी मैन पावर आवर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो भाई यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे 775 डीसी मोटर। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मेरे पास दो मोटर है, जिसमें एक तरफ हमारे एक मोटर में ऊपर शाफ्ट लगा हुआ है जिसपे आप काफी इजिली नट को टाइट कर सकते हो और देख सकते हो काफी जुगाड़ से इसको सेट किया गया है इस मोटर के ऊपर। आप भी चाहो तो एक मोटर पे ऐसे ही कर सकते हो या फिर एक छोटी सी क्लिप टाइप की आती है जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस चीज को आप बाय कर सकते हो और वो भी सेम एज इट इज इसी की तरह वर्क करेगा। तो भाई लोग कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ पर जो भी चीजें यूज होंगी सब कुछ आपको काफी इजिली मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने छोटा सा प्लाई वुड का यूज किया है जिसकी मेजरमेंट, थिकनेस वगैरह सब कुछ मैं इसी वीडियो में दिखा देता हूँ। तो भाई ऐसा कोई भी ना बोलना कि भाई मेजरमेंट का कोई झमोला, एक्चुअली मैं झमोला नहीं झमेला कहना चाहता हूँ। अब यहाँ पर आप लोग प्लाई में देख सकते हो कि मैंने दो छेद कर रखे हैं, एक छेद का तो आपको में आ गया होगा कि भाई उसमें मोटर अपना सेट हो जाएगा, बट दूसरा छेद क्यों कर रखा है ये आगे चल के आपको वीडियो में पता चलेगा। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करिएगा और चैनल पे नए हो तो क्या करना है आपको पता ही है। और भैया क्या करेंगे, हम लोग दो टू यहां पर पेंच ले लेंगे और अपने मोटर को इसी प्लाईवुड में अच्छी तरीके से बिल्कुल लगा देंगे। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारा 775 डीसी मोटर होता है इसमें पेच वगैरह जल्दी रुकता नहीं है, तो भाई आपको यहाँ पर वही पेच लेना होगा जो कि उसमें काफ़ी ईजिली रुक जाए और यहाँ पर हमारे प्लाईवुड से उसको अच्छी तरीके से अटैच कर देना होगा कुछ इस प्रकार से। और उसके बाद हम लोगों को यहाँ पर कुछ क्लिप वगैरह की जरूरत पड़ेगी। ये जो भी चीज़ मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ ना भाई, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा जहाँ से आप परचेज भी कर सकते हो, क्योंकि भाई मुझे पता है कि सब कुछ सब जगह पर नहीं मिलता है, बट फिर भी अगर आप कोशिश करना चाहते हो कि आपके एरिया में ये मिल सकता है या नहीं, तो भाई जहां पर भी ट्रांसफार्मर रिपेयर होता है वहां पर इस चीज का आप पता लगाना है, इस चीज को दिखा करके कि भाई ऐसा क्लिप चाहिए मुझे, तो वो जरूर अगर कहीं उसके पास होगा तो वो दे देगा, क्योंकि भाई ये ट्रांसफार्मर को साइड साइड से टेक देने के लिए लगा होता है। तो अब हमको क्या करना है, कुछ इस प्रकार से हम लोगों को पेच वगैरह की मदद से इसको अच्छी तरीके से अपने प्लाई में टाइट कर देना है। काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, इसमें ज़्यादा ताम झामड़ा करने की ज़रूरत नहीं है और काफ़ी इजीली ये चीज़ लग जाएगा। और यहाँ पर इसको लगाने का मकसद यही है कि जिससे जहाँ पर हम इसको रोक सकें वहाँ पर काफ़ी अच्छी तरीके से फिक्स हो जाए और हम लोगों को कोई वेल्डिंग या फिर किसी और चीज़ की मदद से इसको टाइट वगैरह ना करना पड़े। तो गाइस काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, दोनों क्लिप फटाफट से लगा लेते हैं। तो भाई यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि अपना सब कुछ तैयार हो चुका है, जो अपना स्टैंड वगैरह जो हमने बनाया था। अब हम लोग क्या करना है, एक बड़ा सप्लाई लेना है और जिस पे हम लोग इसको अच्छे तरीके से बिल्कुल अटैच कर देंगे। और यहाँ पर इसकी मेजरमेंट भी मैं सोच रहा था कि आपको दिखा दूँ, बट भाई इतना बड़ा हमारा प्लाई था कि स्केल हमारा छोटा पड़ गया और स्केल की क्या ज़रूरत जब हम खुद ही यहाँ पर हैं। गंदा जोक था बट ठीक था। तो अब हमको क्या करना है, कुछ इस तरह से हम लोगों को इसको फिक्स कर लेना होगा और काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। इसको फिक्स करने के बाद आप लोग देख सकते हो कि बिल्कुल ही अच्छे से हमारा मोटर एक ही जगह पे अटैच हो जाएगा और यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा पेंच वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो कि आपको नीचे से लगाना पड़ता अगर आप कहीं ये क्लिप का यूज़ ना करते तो। गाइस अब क्या करना है हम लोगों को, यहाँ पर अब हम लोगों को ब्लेड बनाना है जिससे हमारी सब्जी वगैरह कटेगी, क्योंकि भाई हम लोग यहाँ पर कोई दांत से तो काटने वाले हैं नहीं, ब्लेड की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो गाइस यहाँ पर हम लोगों ने कुछ इस प्रकार का एक छोटा सा MDF बोर्ड का टुकड़ा ले लिया है और आगे की चीज़ें बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, तो वीडियो को कम्प्लीट वॉच करिएगा। तो गाइस यहाँ पर हम लोग ले लिए हैं एक थर्माकोल कटर जो कि काफ़ी इजीली 20 रुपए के आसपास मिल ही जाता है मार्केट में। क्या करना है हम लोगों को, इसके बीच से ब्लेड निकाल लेना होगा। यहाँ पर देख सकते हो ब्लेड हल्का सा डैमेज है, तो भाई हम क्या करेंगे बीच से इसको कट करेंगे और जो डैमेज पोर्शन है उसको भी निकाल देंगे और फिर क्या करेंगे अपने इस MDF बोर्ड के पीस में कुछ इस प्रकार से फिक्स कर देंगे। भाई MDF बोर्ड की जो साइज़ थी वो भी मैंने दिखा दी थी, 12 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स कुछ डायमीटर वगैरह था इसका,
और हल्का सा राउंड शेप में ले लोगे तो यार आपका ही बेनिफिट रहेगा, आगे आपकी मर्जी। अब हम लोग को क्या करना होगा, कुछ इस प्रकार से इंस्टेंट ग्लू की मदद से इसको फिक्स कर लेना होगा। आपको भी सिंपली यही ही करना है, और भाई बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा कि अच्छे से बिल्कुल ही फिक्स हो जाए, क्योंकि अगर फिक्स नहीं हुआ तो भाई फटाक से ब्लेड निकलेगा और कुछ भी कट सकता है, तो भाई काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई इंस्टेंट ग्लू बिल्कुल अच्छे से लगाना, कंजूसी बिल्कुल भी ना करना। और अब हम लोग को क्या करना होगा, कुछ और MDF बोर्ड की पीसेस ले लेनी होगी, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। और इसकी मेजरमेंट मैं वीडियो में नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि भैया यहाँ पर कुछ दिमाग आपका भी लगना चाहिए, और अभी आप लोग आगे देखोगे तो यार आपको खुद ही पता चल जाएगा कि भाई क्या ही मेजरमेंट होगी इसकी। तो भाई यहाँ पे अब हमको क्या करना होगा, कुछ इस प्रकार से इसको बना लेना होगा। और अब हमको क्या करना है, इस तरीके का हम लोगों ने जो सेटअप बना रखा था इसी के ऊपर हम लोग इस चीज़ पूरे मतलब कि सिस्टम को फिक्स कर देंगे जो हम लोगों ने MDF बोर्ड का बना रखा है। तो भाई यहाँ तक काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, और इसके आगे भी काफ़ी ही ज़्यादा सिंपल है। बस वीडियो में कॉन्टिन्यू रहिएगा, मतलब कि लगातार बने रहिएगा। तो भैया यहाँ पे अब हम लोग को अपने ब्लेड को फिक्स कर लेना होगा, और काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। आपको अपनी उंगलियाँ बचानी जरूरी हैं, क्योंकि भाई ब्लेड काफ़ी ज़्यादा इसमें पावरफुल होता है, या फिर कह सकते हैं शार्प होता है। आपकी उंगली कट सकती है, चोट लग सकती है, खून बह सकता है। तो गाइस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा ध्यान देना होगा। और इसके बाद अगर कहीं आप इस पर MDF बोर्ड लगा दोगे तो भाई प्रोटेक्शन आपकी डबल हो जाएगी, 2x प्रोटेक्शन का यहाँ पर हो जाएगा काम। और अब हम लोग को क्या कर लेना है, कुछ ट्रांसफार्मर और मर का जुगाड़ बना लेना होगा, जो कि यहाँ पर मैंने ही बनाया रखा है। तो भाई यहाँ पर क्या है कि आप इससे 220 वोल्ट टू 12 वोल्ट DC कन्वर्ट कर सकते हो इस ट्रांसफार्मर के थ्रू। आप चाहो तो यहाँ पर चार्जर का भी यूज़ कर सकते हो, जो कि 12 वोल्ट चार्जर के नाम से आता है और मार्केट में काफ़ी ईजिली मिल जाता है। और भाई आप यहाँ पर चाहो तो DC बैटरी भी लगा सकते हो अगर कहीं आपको इसको बाहर यूज़ करना है। तो अब मैं आपको इसका थोड़ा सा चेकअप करा देता हूँ कि भाई किस तरीके से ये वर्क कर रहा है। तो भाई लोग यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जो हमारी मशीन है वो काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क कर रही है, जो हमारा प्याज है वो कटपट कट जा रहा है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है, बट इसमें अभी काफ़ी सारी प्रॉब्लम और भी है। तो भाई वीडियो में हमारे साथ बने रहो, हम आपको सब कुछ कम्प्लीट करके और बना करके टेस्ट करके ही दिखाएंगे। तो भाई यहाँ पर देख सकते हो कि यार प्याज कट तो रहा है, बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो हमारा प्याज है वो प्लेट में गिर रहा है और आगे पीछे चला जा रहा है। तो भाई उसके लिए यहाँ पे हमको क्या करना है, MDF बोर्ड को बढ़ाना पड़ेगा। और उसके बाद अगर यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि सारी की सारी जो सब्जियाँ हैं वो हमारी MDF बोर्ड पे ही रुकी रह जा रही हैं, तो गाइस ये भी एक प्रॉब्लम है। तो भाई इन दोनों को सॉल्व करना ही जरूरी है। तो भाई यहाँ पर क्या करना है, हम लोगों को एक छोटा सा प्लास्टिक का पीस कट करके यहाँ पर लगा देना होगा कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर मैंने PVC पाइप का यूज़ करा है और उसी के हल्के से पीस को काट करके यहाँ पर लगा दिया है। तो भाई काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ को वीडियो में दिखाना चाहिए था, इसीलिए मैंने वीडियो में नहीं दिखाया। और भाई अगर कहीं ये दिखाने भी लगता ना मैं, तो भाई इतनी लंबी वीडियो हो जाती ना कि आप लोग देखते नहीं, बोर होकर चले जाते और फिर मेरा घाटा लग जाता, समझ रहे हो। इतना मेहनत करता हूँ वीडियो बनाने में, समझते नहीं हो बात को, निकल आते हो आधी रात को। तो यहाँ पर देख सकते हो कि अब हम लोग जब प्याज डाल रहे हैं तो भाई प्याज तो कट जा रहा है काफ़ी अच्छे से, बट जो यहाँ पर आगे पीछे प्याज गिर रहा है वो बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है। तो भाई इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जो मैंने छोटा सा यूटेंसिल्स ले रखा है, मतलब कि जो बर्तन है वो मैंने छोटा सा ले रखा है, इसको आपको थोड़ा सा बड़ा लेना होगा, जिसमें जो सारी प्याज की पीसेस हैं वो अंदर ही गिरे और इधर उधर ना जाए। अब भाई यहाँ पे कुछ और चीज़ों की टेस्टिंग हो जाए। तो भाई भिंडी भी मैंने ले आई है और एक एक करके सारी सब्जियाँ काट डालेंगे हम लोग। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो कि जैसे मैंने भिंडी डाला इसका चटनी बन गया, मतलब कि यार अगर आपको भिंडी की चटनी खानी है तो आप इस मशीन को काफ़ी ईजिली बना सकते हो। अभी मैं आपको बताऊंगा कि भाई यहाँ पर इतना ज़्यादा महीन क्यों कट रहा है, इसको थोड़ा सा बड़ा कटना चाहिए था, तभी तो भिंडी खाने में मज़ा आएगा। तो भाई यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि एक्चुअली में हो क्या रहा है, जो हमारा ब्लेड है वो डायरेक्टली काट करके इस पूरे चीज़ को ऊपर ही MDF बोर्ड में लगा दे रहा है। तो भाई उसका भी सोल्यूशन आगे चल के वीडियो में पता चलेगा, बट उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसको साफ़ करना कितना ज़्यादा आसान है। आप लोग देख सकते हो काफ़ी ईजिली बढ़िया से गीला कपड़ा करके साफ़ कर सकते हो। और अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि प्याज तो काफ़ी अच्छा कट जा रहा है, बट यहाँ पर जो भिंडी थी वो कितनी ज़्यादा महीन हो गई है, जैसे कि चटनी हो गया है। तो भाई आप भिंडी की जगह यहाँ पर आप मिर्चा का यूज़ कर सकते हो, जो कि ऐसे ही बारीक कटेगा और खाने में काफ़ी अच्छा स्वाद ला के देगा। और अगर आपको भिंडी काटनी है तो भाई कुछ इस प्रकार से आपको भिंडी को काटना होगा। इससे क्या होगा, जब आप भिंडी को काटोगे तो सारी की सारी भिंडी सामने रखे हुए बर्तन में एक साथ रुक जाएगी, जहाँ पर ये आप काफ़ी ईजिली इसका यूज़ करके सब्जी वगैरह बना सकते हो। तो भाई काफ़ी सिंपल सा जुगाड़ है और काफ़ी ईजिली, चाहे जितना अमाउंट हो आपके पास सब्जियों का, काफ़ी ईजिली काट सकते हो और अपनी अपनी मम्मियों को खुश कर सकते हो ये मशीन दे करके, जिससे यार उन लोगों का भी हाथ वगैरह नहीं दर्द करेगा सब्जी काटने से। तो भाई देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा सिंपल था मशीन को बनाना और काफ़ी ज़्यादा ईजी था इसको यूज़ करना। तो
गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं आपको इस चैनल के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।